राज्य के सियासत में कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के विषय को लेकर बड़ी मात्रा में तूफान देखने को मिल रहा है। इसी बीच कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावन कोई द्वारा आयोजित पत्र परिषद में बावन कोई ने खुलासा किया कि यह प्रावधान महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल में ही लाया गया था, जिसे लेकर एमवीए के नेता भाजपा को बदनाम कर रहे हैं। इस वक्त उन्होंने माफी मांगो अन्यथा तीव्र आंदोलन यह इशारा भी दिया था। उसी अनुरूप आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा निषेध सभा का आयोजन किया गया था। दर्शकों, महाराष्ट्र की सियासत में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती, इस विषय पर भारी मात्रा में उफान देखने को मिल रहा है। एक और भारतीय जनता पार्टी बोल रहे हैं कि यह महाविकास आघाड़ी के समय किया गया प्रावधान था। कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुड़े द्वारा पत्र परिषद का आयोजन किया गया था, जहाँ की उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया। महाविकास आघाड़ी भारतीय जनता पार्टी प्रणित राज्य सरकार की बदनामी कर रही है, इस प्रकार का वचन उनका था। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी इसी महाविकास आघाड़ी का विरोध कर रही है। आप देख पा रहे हैं वैरायटी चौक पर जिस प्रकार से चित्र दे रहे हैं, निषेध सभा का आयोजन किया गया है। सभी स्थानीय बड़े नेता, सभी स्थानीय भारतीय जनता पार्टी की युवक आघाड़ी, भारतीय जनता पार्टी की महिला आघाड़ी, साथ ही साथ सभी प्रकार के सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है, जहाँ की महाविकास आघाड़ी के विरोध में निरंतर निषेध पर नारे दिए जा रहे हैं। देखते हैं आगामी इसका क्या असर पड़ता है। गौरतलब है कि महाविकास आघाड़ी के खिलाफ आज पूरे महाराष्ट्र में लगभग 5,00,000 कार्यकर्ता विधानसभा क्षेत्र और वार्ड निहाय यह आंदोलन करे हैं। उसी श्रृंखला में आज नागपुर स्थित वैरायटी चौक पर भाजपा द्वारा निषेध सभा का आयोजन किया गया था, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा निरंतर शरद पवार, नाना पटोले, उद्धव ठाकरे आदि महाविकास आघाड़ी के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी। इस समय भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर कोड़े समेत शहर अध्यक्ष जितेंद्र कुकड़े, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष ग्रामीण आदर्श पटले, हिंगना निर्वाचन क्षेत्र के विधायक समीर मेके, रितेश पांडे, साथ ही साथ अर्चना डेहनकर, अश्विनी जिस्कर एवं अन्य मुख्य पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने एमवीए के बैनर पर जूते मारकर निषेध व्यक्त किया, तो वहीं महाविकास आघाड़ी को प्रतीत कर पुतला भी जलाया गया। इस वक्त विशेष रूप से मौजूद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए ने एमवीए के खिलाफ तीव्र असंतोष व्यक्त किया। महाविकास आघाड़ी नेते हे खोटाडेपणा करता है। देवेंद्र जी कभी ही नियमाच्या बाहेर आणि सरकार आमचं नियमाच्या बाहेर किंवा एखादी चुकीची गोष्ट सांगू शकत नाही। काल देवेंद्रजींनी संपूर्ण जी आर सहित म्हणजे पृथ्वीराज चव्हाणांच्या काळात काय झालं, अशोक चव्हाणांच्या काळात काय झालं आणि उद्धव ठाकरेंनी कशी सही केली, कशा 9 टेंडर भरले, कसे जास्त रेटने टेंडर दिले, हे बगल बच्चे कोण होते, हे सर्व देवेंद्रजींनी सांगितलं आहे। त्यामुळे मला वाटतं आज महाराष्ट्रात युवकांचा आक्रोश हा महाविकास आघाडीच्या नेत्याविरुद्ध होता, तो आज दिसला आपल्याला। आणि महाविकास आघाडीच्या जे उद्धव ठाकरे, जे शरद पवार जी आहेत, त्यांना दिसलं आज महाराष्ट्रात। खोटं बोलाल तर महाराष्ट्राची जनता तुम्हाला सोडणार नाही। तुम्हाला कालही सांगितलं, काँग्रेस आणि शरद पवार साहेब, माननीय उद्धवजी, हे कधीही महाराष्ट्रामध्ये कन्व्हेन्स करून मतं घेऊ शकत नाही, कारण त्यांच्या जीवनात त्यांनी कन्व्हेन्स करण्याला कुठलंच काम केलं नाही। माननीय देवेंद्रजींनी 5 वर्ष, आत्ताचं एकनाथजीचं सरकार आणि मोदीजींचं 9 वर्षाचं सरकार, आम्ही ज्या पद्धतीने घरोघरी जातो आहे, जसं आम्हाला समर्थन मिळत आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रात काहीतरी असा विषय आलाचा की जनतेचं कन्फ्युजन करायचं, यांच्यामध्ये ताकद नाही कन्व्हिन्स करून मतं घेण्याची। त्यामुळे समाजामध्ये तेढ निर्माण करणे, समाजात समाजात भांडणं लावणे, समाजात समाजात वेगवेगळ्या विषयावर त्या ठिकाणी कन्फ्युजन तयार करणे, युवकांच्या मनात कन्फ्युजन करणे, आदिवासी समाजात कन्फ्युजन करणे, धनगर समाजाला कन्फ्यूज करणे, मराठा समाज, ओबीसी समाजामध्ये वाद लावणे, हे सर्व जे धंदे आहेत, हे धंदे हे महाविकास आघाडीमधले उद्धवजी कळले, शरद पवारजी कळले आणि काँग्रेस म्हणले नेते करताय, पण महाराष्ट्राची 14 कोटी जनता यांना सबक शिकवल्याशिवाय राहणार नाही। आणि 5 लक्ष लोकांनी आज वेगवेगळ्या मार्गाने या महाराष्ट्रात आंदोलन केलं आहे। मी देवेंद्रजीचं, एकनाथजीचं आणि अजित पवारांचं पुन्हा अभिनंदन करतो, महाराष्ट्राच्या सर्व युवकांकडून अभिनंदन करतो। अत्यंत चांगला कंत्राटी भरती बंद करण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला, उद्धव ठाकरेचा निर्णय या सरकारने बदलला आणि बेरोजगार तरुणाला न्याय मिळून दिला,
मी सरकारचं अभिनंदन करतो। कॅमेरा पर्सन अजित कुवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।